हेलो जी, सत श्री अकाल जी। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक और ब्रेकफास्ट की रेसिपी जो कि बहुत जल्दी बन जाती है। तो वही चीज़ें लेकिन थोड़ा टर्न एंड ट्विस्ट करके थोड़ी डिफरेंट हो जाता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आओ चलो जल्दी से देखते हैं उसकी रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तेल को हम होने देंगे अच्छी तरह गर्म, और जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम उसमें डालेंगे थोड़ी सी राई, जिसे हम सरसों भी कहते हैं, और साथ में मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और जैसे ही हमारा जीरा थोड़ा पॉप अप हो, आप देख रहे हैं कि हमारे जो मस्टर्ड सीड्स हैं ये सब पॉप अप होना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे, चाहे आप इसमें ग्रेट करा हुआ जिंजर गार्लिक डाल लीजिए, चाहे आप इसमें चॉप किया हुआ डाल लीजिए। मैं ज़रा ग्रेट किया हुआ डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को मुंह में जो वो अदरक आता है ना वो पसंद नहीं आता, तो इसीलिए मैं ग्रेट करा हुआ डाल रही हूँ। और इसे हमें ज़्यादा लाल नहीं करना, बस इतना इसको थोड़ा ऑयल में हमें सॉटे करना है ताकि जो इसकी खुशबू है लहसुन गार्लिक की थोड़ी सी कम हो जाए। ये हमारा अदरक लहसुन थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया, मैं इसमें डाल रही हूँ छोटा कटा हुआ प्याज, एक ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते के टाइम में अगर प्याज ज़्यादा खाओ तो इनको तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन इसे मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। एक प्याज जिसको मैंने छोटा छोटा काट के इसमें डाल दिया, और इसको भी हमने ज़्यादा भुनना नहीं है, इसको भी हल्का हल्का जैसे आप कह लीजिए पिंक करना है। और प्याज के साथ ही मैं इसमें डालूंगी बंद गोभी और गाजर जो मैंने फाइनली चॉप कर ली है चॉपर में, और आप चाहें तो कोई भी अपनी पसंद की सब्जी इसमें डाल सकते हैं, चाहे आप ब्रोकली डालिए, चाहे आप इसमें गोभी भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये गाजर और बंद गोभी ही अभी तक घर पर अवेलेबल थी तो मैंने यही डाली है। तो आप इसको भी अच्छी तरह प्याज के साथ सॉटे कर लें, और साथ में ही मैं इसके डाल दूंगी थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी शिमला मिर्च, और साथ ही साथ में डाल दूंगी इसमें एक कटी हुई हरी मिर्च। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है आप डालें ना डालें, लेकिन मैं तो डाल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। और इसको आप अच्छी तरह कम से कम एक या दो मिनट के लिए सॉटे कर लीजिए, ज़्यादा पकाने की इसको हमें ज़रूरत नहीं है। और ये सारी सब्जियाँ डालने का एक यही मोटिव है कि मेरे बच्चे जैसे कई बार सब्जियाँ नहीं खाते, या बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते हैं, स्पेशली उनको गाजर मीठी मीठी सी लगती है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है उनको धोखा देने का। इस समय आप कोई भी सब्जियाँ डाल सकते हो, जो जो आपको पसंद है, और जो बच्चों को पसंद नहीं तो सब डाल दीजिए। इसे एक से दो मिनट सॉटे करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 कप पानी, या आधा कप पानी, और ये 1.5 कप पानी डाल दिया है। जैसे इसमें बॉईल आना शुरू हो जाए मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच नमक, नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, और साथ में मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। इन सबको आप अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए क्योंकि अब हम इसमें डालने लगे हैं सूजी। नमक हमने इसलिए डाला है ताकि जो हम सूजी डालेंगे उसमें अच्छी तरह नमक जो है वो रल जाए। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कप सूजी, थोड़ी थोड़ी डालकर आप इसको मिक्स करते जाइए, सारी एकदम मत डालिए, थोड़ी थोड़ी डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम रखी है। अभी सूजी को इन सारी सब्जियों के साथ मिक्स करते जाइए, बिल्कुल चावल जैसे हम बनाते हैं ना बिल्कुल वही वाला हिसाब है। अगर हम 1 गिलास चावल लेते हैं तो 1.5 कप पानी, तो बिल्कुल सूजी का भी वही है कि 1 गिलास हमें, जैसे हमने 1 कप सूजी ली है तो उसके लिए हमने 1.5 कप पानी डाला है। ये सूजी डालने के बाद जो मैंने फ्लेम है वो स्लो कर दी है, और इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे ताकि जो सूजी है वो राइज हो जाए और अच्छी तरह इसमें सब्जियों के जो फ्लेवर्स हैं मिक्स हो जाए, एक अच्छा सा डो तैयार हो जाए जिसमें जितना भी हमारा जो पानी है वो सूजी सारा सोख ले,
हमें बस तब तक ही इसको पकाना है। इसे मुझे पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। सूजी अच्छी तरह सब्जियों में मिक्स हो चुकी है और जितना भी पानी था वो सारा सूजी सोख कर चुकी है। तो ये जो हमारा बैटर है ये बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। और इस टाइम पर आप गैस को कर दीजिए बंद। मैंने ये सारे बैटर को अभी एक थाली में निकाल दिया है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तब तक हम क्या करते हैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे 4 से 5 आलू ले लिए हैं उबले हुए। इसे मैंने लच्छेदार कद्दूकस कर लिया है और चाहे तो आप हाथों से भी मैश कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में मैं डालने लगी हूँ इसमें नमक स्वाद अनुसार, आलू में नमक स्वाद अनुसार। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और साथ में मैं इसमें डालने लगी हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर। ज़्यादा मसाले इसमें हम बहुत नहीं डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला और साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा आमचूर पाउडर। और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया। इन सब मसालों को अच्छी तरह आप आलू में मिक्स कर लीजिए, ये सारे मिक्सचर को जितने भी हमने मसाले डाले थे। और एक बात हाँ, नमक थोड़ा देख के डालिएगा क्योंकि हमने सूजी में भी नमक डाला था जब हमने सूजी रेडी कर रहे थे, उसमें भी नमक था, तो ज़्यादा ना हो जाए इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये सारे आलू के मिक्सचर को मैंने जो हमने मसाले थे सारे अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। अब जो हमारा सूजी का मिक्सचर है वो भी हल्का हल्का गर्म है। अब इसको भी इसके साथ मिला के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ऐसे। ये सारा मिक्स करके एक अच्छा सा डो बना लेंगे। ये सारा डो बनाकर मैंने इकट्ठा कर दिया है सूजी का और आलू का और इसको साइड पर रख दिया है। उसी थाल में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और उस ऑयल को मैं अच्छी तरह ग्रीस कर दूंगी। हमने थाल पे सारा अच्छी तरह ऑयल ग्रीस कर लिया है और ये जो हमने अपना डो तैयार किया था इसको हम हल्के हाथ से सारे थाल में फैला देंगे ऐसे। अच्छी तरह, बहुत मोटी लेयर भी नहीं रखेंगे और बहुत पतली लेयर भी नहीं, जितने थिक चाहिए, ताकि जब मैं इसको डीप फ्राई नहीं कर रही, मैं इसको शेलो फ्राई कर रही हूँ, तो इतना ही रखिएगा जितना ये आराम से शेलो फ्राई हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह थाल में स्प्रेड कर दिया है और ये बिल्कुल सेट है। अब मैं पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इसको स्क्वायर्स में काट लूँगी। आपकी इच्छा, आपने कितने बड़े पीसेस रखने हैं उस हिसाब से आप इस पे आराम से ऐसे काट सकते हैं। मैं थोड़ा सा और काटूंगी। ओए, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई ना। इसको मैंने दूसरी साइड से भी ऐसे ही काट रही हूँ, इसको चौरस की शेप में। आपकी मर्जी है, आप जैसी मर्जी शेप में काटना चाहें आप वैसे काट सकते हैं। और ये मैंने इसको ऐसे सारा कट लगा दिया है। ये हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे रखेंगे फ्रिज में 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए। इसको मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है और एक बटर नाइफ की हेल्प से मैं ये जो हमने जितने भी केक्स बनाए थे ये सब आराम से इजीली आ जाएंगे बाहर। और अब हम इसे करेंगे शेलो फ्राई। बहुत ही सुंदर शक्ल है और ट्रस्ट भी, अकल भी बहुत अच्छी है। अभी मैंने एक तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और ये जो हमने अपने नाश्ते के लिए जो केक से रेडी करे हैं ये अदरक का, इसको हम डाल देंगे तवे पे। आराम से सिम पे इसको आराम आराम से पकाइएगा। ये बहुत क्रिस्प और बहुत ही यम्मी बनते हैं। और साथ में आज मेरा नाश्ते में स्पेशल और भी बन रहा है। इशू दिखाओ, आज ये मैं बना रही हूँ आलू पूरी। आलू की सब्जी का मसाला मेरा रेडी हो रहा है
और साथ में ये कटलेट। अब बारी है इसको पलटने की, इसको आराम आराम से आप पटी पलट लीजिए। वाह, आप देख रहे कितने क्रिस्प, कितनी सुंदर शक्ल है, परफेक्ट। इसको मैंने सिम पे आराम से पकाया है, मीडियम फ्लेम पे आप पका सकते हैं चाहे तो, लेकिन आराम आराम से पकाइए, जल्दी काहे की है, कुछ ज़्यादा ही अच्छे क्रिस्प होंगे। मेरे पास तो सारी खुशबू आप कह लो मिक्स हो रही है, इधर इसकी, उधर जो आलू का मसाला। ओहो, लो जी हमारा एक और नाश्ता तैयार है, सवारियाँ हमारी वेट कर रही हैं कि कब आए और कब खाएं। राजा जी वेट हो रही है, मम्मी लो जी, हमने इतनी वेट करी, इतनी वेट, छोटा पीस जितनी छोड़ दोगे मैं खा लूंगा, डोंट वरी, मैं हूँ खाने के लिए। मम्मी ये नाश्ता कर कर आए ना एक्चुअली। इसको हम चम्मच चाहिए मम्मी। अरे आपके आलू के साथ पूरी कहाँ गई? पूरी हमने नहीं खाई है अभी। ओए होए होए, वेरी डिफरेंट, कैसे? दिस इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी गुड एंड वेरी हॉट। हॉट वेट वेट हॉट हॉट एम हॉट। तो कैसे लगे राजा जी आपको? मम्मी जी तो अभी टेस्ट कर रही हैं। आई थिंक फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर स्नैक्स इसका कोई मुकाबला नहीं है। ब्रेकफास्ट स्नैक्स के लिए बहुत ज्यादा स्वाद है। क्या बात है, क्या टू बड़ा यार अपनी। चलो अच्छा लगा आपको भी? बहुत अच्छा लगा है, बहुत स्वाद है। तो आप भी जाएं गंगर में बनाए हूँ, आगे मुंह में भी है, आप भी जाएं बनाए खाए और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। ट्रस्ट मी इट्स वेरी गुड, नो डाउट, वेरी गुड, बहुत ज्यादा स्वाद है, बहुत ज्यादा स्वाद। ये तो घर पे गेस्ट आ गया यार, तब भी आप खिला सकते हो यार, स्नैक खिला सकते हो। अरे यार अभी आप खा लो, गेस्ट को बहुत। मैं ही गेस्ट हूँ, मैं ही गेस्ट हूँ, मैं ही खत्म कर दूंगा, डोंट वरी। तो आप लोग भी बनाएं खाएं और एंजॉय कीजिए। तो ये सब लोग कर रहे हैं एंजॉय, तो आप लोग भी बनाएं खाएं और एंजॉय कीजिए। बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाता है, एंजॉय कीजिए।